वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। हरियाणा NHM की तरफ से स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली गई है। आप लोग जो हैं 7 जनवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट 10 जनवरी 2021 रखी गई है। साथ ही 15 जनवरी को आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। फ्रेशर वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस फ्रेशर वाले फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए, जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे बिल्कुल ऑफिशियली। तो हमारे साथ बने रहिए। किस डिस्ट्रिक्ट से भर्ती निकाली गई है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, A to Z सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली देने वाला हूं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। यह नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी सिविल सर्जन चरखी दादरी हरियाणा की तरफ से निकाली गई है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं 30/12/2020 की रखी गई है, जिसमें आप लोग नीचे यहाँ पे देखिए कुल 14 वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए रखी गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। जनरल के लिए 6 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसी है, जिसमें BSc नर्सिंग GNM वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 10वीं में जो है हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो 42 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है, जिसमें 13,500 रुपये सैलरी मिलने वाली है। और देखिए 10 जनवरी 2021 को 11:30 AM आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 10 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। 14 वैकेंसी है, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बता दें इसमें BSc नर्सिंग और GNM दोनों लोग अप्लाई करेंगे। लगभग यहाँ पे बोला गया है कि 31 मार्च 2021 तक जो है संविदा पर भर्ती निकाली गई है। इसको जो है आप लोग बढ़ाया जाएगा तो लगभग 1 साल की जो है यहाँ पे संविदा पर भर्ती होने वाली है। बट अभी यहाँ पे मेंशन की गई है 31 मार्च तक जो है आप लोगों की यहाँ पे संविदा पर भर्ती होने वाली है, जिसे आप लोग जो है लास्ट डेट 7 जनवरी 2021 शाम को 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फीस भी लगने वाली है। जी हाँ, देख सकते हैं 2 महीने की नौकरी में यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस लग रही है 200 रुपये यहाँ पे जो है पर अप्लीकेशन। तो एक अप्लीकेशन के लिए 200 रुपये जो है यहाँ पे अप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट करना है, उसका 45 से 50 रुपये और लगने वाला है। तो लगभग 250 रुपये जो है आप लोग यहाँ पे लगने वाला है, 250 रुपये तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का जो है यहाँ पे टेस्ट होगा 20 नंबर का, उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा 10 नंबर का, और फिर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वह लैंग्वेज जो है टोटल इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। साफ साफ बोला गया है फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है www.nrhmharyana.government.in। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको क्या करना है आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद जो है आपको DD बनाना पड़ेगा 200 रुपये का। 200 रुपये का DD बनाने के बाद ही जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिए। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन की, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म की डाउनलोड कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।